कोरोना काल में बेरोजगारों को ठगने का कारोबार चल पड़ा है। पैसे ठगने के लिए बेरोजगार युवक युवतियों को इतना तंग कर रहे हैं कि उन्हें जान तक गंवानी पड़ रही है। राजस्थान के पाली में शनिवार को 28 साल की एक महिला को इन ठगों ने इतनी प्रताड़ना दी कि उसने खुदकुशी कर ली। पिछले कई दिनों से काम धंधे की तलाश कर रही पाली के रामदेव रोड महात्मा गांधी कॉलोनी निवासी दीपिका गोड़ को सोशल मीडिया पर ऐड दिखा। इसमें घर बैठे ऑनलाइन काम के बदले अच्छा वेतन देने की बात कही गई। महिला ने ऑनलाइन डेटा एंट्री का काम शुरू किया। उसने दो दिन तक काम किया ही और ऐसी फंसी की जान से हाथ धो बैठी। परिजनों के मुताबिक शनिवार को डाटा एंट्री के दौरान उसका इंटरनेट खत्म हो गया। वह अपने पति का हॉटस्पॉट एक्टिव कर वाईफाई से डाटा एंट्री करने लगी। युवती ने जैसे ही पति के फोन से अपना फोन जोड़ा तो ठगों के फोन आने शुरू हो गए और इसके बाद उसे लगातार पैसे मांगने की धमकियां दी जाती रहीं। इससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि परिजनों के इस आरोप की पुलिस जाँच कर रही है।